वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहाँ नहीं आए, अभी कोई चुनाव भी नहीं है। सीधे एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए, कम से कम अपनी बात को तो हम रखें। अब नया बिहार बनाना है तो आप सब लोग नौजवान, तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने का काम, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा। बेरोजगारी की बात करते हैं तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहां बेरोजगारी ना हो। सब लोग यहाँ आशुतोष वगैरह सब लोग मिलने आए थे और हमको लगा कि नहीं एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए, कम से कम अपनी बात को तो हम रखें। और आप निफिक्र रहिए, अगर आप लोग हम लोगों का साथ दीजिएगा तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने का काम। और हम तो चाहते हैं सबको सम्मान मिले, सम्मान केवल चुनाव में ही नहीं, और कोई एक चुनाव में थोड़ी ना सम्मान दिया जाता है। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा, जो आप लोगों का अधिकार बनता है। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, वोट देना ना देना ये लोगों की मर्जी होती है, लोगों का फैसला होता है। और किसी भी दल के नेता को, किसी भी दल को उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन आप सब लोगों से तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा। और आप लोगों ने, और ये कोई एक बार की बात नहीं है, रिश्ते अचानक से नहीं बिगड़ते हैं, रिश्ते अचानक से सुधरते नहीं हैं। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई यहाँ वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहाँ नहीं आए, अभी कोई चुनाव भी नहीं है, हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए, आप लोगों का साथ के लिए आए। और जो आप लोग जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहाँ बेरोजगारी ना हो। आपके समाज में भी बेरोजगारी, आपके समाज में भी गरीबी है, लेकिन आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है। अगर आप लोग अगर ठान लीजिएगा, या हम कहें कि आप लोग एक बार बेड़ा ले लीजिएगा, तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई भी खत्म होगी, ये हकीकत है। अब नया बिहार बनाना है तो आप सब लोग नौजवान हैं, अभी चले जाएगा पटना में घाट पर तो सब वहीं पढ़ रहा है, पढ़ता है, बहाली निकली है कब से, अब तक बहाली नहीं हुई, कई साल हो गए।